सामने इतने ब्लॉग के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि वीडियो एंड तक देखना, और फिर चलो ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग कैसे हैं? और आज हम अपनी छत पर घूम रहे हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है हमारे यहाँ पे। फ्रेश एयर चल रही है, ठीक है गाइस, मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए हम लोग एक अदर लिटिल वॉक पर आ गए। लिटिल वॉक तो नहीं, पर हमारे छत पे हम लोग थोड़ा टहलने आते, घूमने आते, क्योंकि मेरी और दीदी का ऐसा मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार आप लोग देख लें कि कैसा मौसम हो रहा है। आज का मौसम फसल बहुत अच्छा है, और हम अभी एकदम ठंडी ठंडी चल रही है, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अमेजिंग मौसम हो रखा है, अमेजिंग कहते हैं ना वो। पर थैंक गॉड कि जो दिवाली के बाद जैसे थोड़ा बहुत पोल्यूशन हुआ था, तो हवा चल गई थी, तो उससे एयर क्लीन हो गई। वरना आप सबको तो याद ही होगा कि हर साल दिवाली के बाद क्या होता है कि सेंट में मास्क लगा के घूमना पड़ता था। ज्यादा मास्क तो कह रहा मैं अभी भी लगाना ही पड़ता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि दिवाली के बाद कुछ ज्यादा जल्दी ही एयर क्लीन हो गई है, वरना हमें फील होता था कि हाँ पोल्यूशन हो रहा है और स्काई भी इतना क्लियर नहीं रहता था। अब एकदम ब्लू स्काई हमें विजिबल हो रहा है, खास करके जो जैसे हम लोग आसपास में देखते हैं कि जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं या जो ओल्ड एज लोग होते हैं, मतलब एल्डर्स जो होते हैं हमारे, और खास करके और जो छोटे बच्चे भी रहते हैं उनको भी इससे बहुत दिक्कत होती है। और भी हमारे जैसे कि हम आपको पहले जैसे ही हम बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो एयर है वो क्लीन हो चुकी है, यानी पोल्यूशन कम हो गया। अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन कम हो गया है, मतलब एयर क्लीन हो गई है, अच्छी चीज है। बट लेकिन एक चीज है जिस पे हम लोगों ने कुछ टाइम से ध्यान देना कम कर दिया, तो हमने उस पे बहुत ढील दे दिया है, जो कि है कोरोना वायरस। ठीक है, अभी जैसे हमारा फेस्टिव सीजन चला गया है, बट लेकिन आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब से फेस्टिव सीजन गया है तब से हम लोगों ने बहुत, मतलब बोले तो इस चीज को ना बहुत आराम से लेना शुरू कर दिया कि हाँ वायरस है, चल रहा है, ठीक है। मतलब कि हम बोले तो हमने ना बहुत उसको एक नॉर्मल सी चीज ले लिया कि हमारी लाइफ का पार्ट है, चल रहा था, ठीक है। मतलब सबको ये लग रहा है कि होगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, पर गाइस किसी को ये नहीं पता अगर हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ज्यादा असर कर जाए। नहीं, मेन चीज ये है कि जैसे हम आपको बताएं कि हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल अभी नहीं है। इंडिया में अकेले 90 लाख प्लस जो केसेस है वो हो चुके हैं, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 80 लाख, मतलब 80 या 83 लाख के आसपास जो लोग हैं वो रिकवर कर चुके हैं। तो ये अच्छी चीज है कि हाँ इतने नंबर ऑफ लोग रिकवर कर चुके हैं, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 लाख प्लस पेशेंट्स भी हैं। ठीक है, तो मतलब ये हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई नॉर्मल सी चीज है, जबकि नंबर हमें बता रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है। और जिसे बोल अपने आसपास भी हम देखें तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ अब धीरे धीरे पहले जैसी होने लग गई है। हम लोग पहले की तरह अपने पहले वाले बिहेवियर में जाने लगे कि हाँ हम बाहर जाते थे, ऑफिस जाते थे, काम करते थे, कुछ नहीं होता था। बट लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग है जिनको मास्क को लेके बहुत वो होता है कि क्यों पहनना है, होगा तो देखा जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, अब तो सब ठीक है, बस सरकार डरा रही है हमें। तो गाइज ये फोटो बताती है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। ये चीजें ना मेरे को तो शॉक करती है कि मतलब इतने लोगों को हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, पर कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज है कि होगा तो देखा जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है, सरकार डरा रही है बस। दीदी आपको एक बार याद है जब डेडी मार्केट गए थे, डेडी ने एक अंकल को बोला था तो वो यहाँ मास्क रखते थे। हाँ, मतलब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उन्हें मास्क पहना होता पर उनका मास्क रहता यहाँ होगा तब तो यहाँ होगा। मास्क पहनने के प्रॉपर तरीके की आपकी नोज कवर होनी चाहिए, ऐसे तो यहाँ तक होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप कैसे भी मास्क पहन रहे हो, आप रुमाल बांध रहे हो, कुछ भी करो फेस कवर करने के लिए, वो नोज तक तो रहना चाहिए। अगर आपने नोज ही नहीं ढक रखी है, अपनी नाक ही नहीं ढकी, तो आपका मास्क लगाने का फायदा क्या है। और इन्हीं हरकतों की वजह से दिल्ली में, मैं आपको बताऊं तो जो हमारे मतलब जो सीएम है केजरीवाल जी, उन्होंने मास्क पे जो चलान था, आप लोगों को पता होगा कि मास्क न पहनने पे 500 रुपए का चलान था, उसको बढ़ाकर 2000 का कर दिया गया है, क्योंकि लोगों की लापरवाही की वजह से। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो मतलब वो पूरे अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हाँ इसको खत्म करा जाए, जो 90 लाख प्लस का नंबर है इसको कम करा जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो कितनी स्पीचेस देते हैं, वो हमें अवेयर करते हैं कि हाँ हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम इस नंबर को कम करें। और अगर आप ये अगर आप न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे, रोज नेट पर सर्च करते होंगे, आपको वैक्सीन के बारे में भी पता चला होगा कि हाँ मतलब रिसर्च जारी है, मतलब वैक्सीन जल्दी आएगी,
और इंडिया का भी, जो इंडिया के भी कई लोग हैं मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ जल्दी इसकी वैक्सीन आए और ये नंबर जो है 90 लाख प्लस का ये कम हो। तो वही वाली चीज़ है कि हमें अभी इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, नीला छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ये सोचोगे ना कि कुछ नहीं हो रहा तो आपकी फैमिली का ही लॉस है। कि अगर आप अकेले घूम रहे हो हाँ कुछ नहीं होगा ठीक है, चलो अगर आपको ऐसा शौक है ना आप अपने घर से निकल जाओ ठीक है, रोड पे रहने लगो, गलत लग रहा होगा आपको सुनने में पर सच बात है। क्योंकि अगर आपको हुआ है ना तो आप जाओगे अपने फैमिली में सबको इन्फेक्ट करोगे, आपकी फैमिली तो आपके भरोसे कि हाँ आप बाहर जाके सेफ्टी रख रहे हो पर लेकिन आप ही नहीं कर रहे तो आपकी फैमिली बेफालतू में उस चीज में पिस जाएगी ठीक है। तो आपको अपना नहीं सोचना, सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स, और जरूरी नहीं है फैमिली ये जितना भी हमारा इंडिया ये हमारी फैमिली की तरह ही, हम सब एक कंट्री में रहते हैं तो हम सब एक कंट्री का पार्ट है तो हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ अपने अकेले का सोचिए कुछ नहीं है, और ये जो एटीट्यूड है कि कुछ नहीं होगा देखा जाएगा सरकार से डरा रही है ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों को पता है हमारे मोदी जी कहते हैं जब तक दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं ठीक है गाइस, तो आप लोग बिना मास्क लगाए कैसे बाहर ना जाएं। अगर मतलब अगर आप लोगों को हमारी बातें बेकार लगती है या अगर आप लोगों को लगती है कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली बात नहीं है तो गाइस इंडिया के लिए यानी अपने देश के लिए। तो हम आज की वीडियो यही एंड करते हैं। हाँ तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, आई होप आप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे बड़ी बात कि हमारा मैसेज आप तक कन्वे हुआ होगा, जो हमने बताया आपको समझ आया होगा, और सबसे बड़ी बात कि हाँ आप लोग भी हमसे एग्री हुए होंगे कि हाँ हमने सही बोला है, कि मतलब आप लोगों ने भी ये चीजें डे टू डे लाइफ में फील करी होंगी जो हमने आपको बताई है, कुछ नया नहीं था। बस हमने मतलब हमें ना रोज हम जो न्यूज में देखते हैं अपने आसपास जो फील करते हैं हमने सोचा कि हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपको अवेयर करना चाहिए कि हाँ आप लोग इस चीज को लाइटली मत लीजिए है ना। तो गाइस हियर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू वेयर योर मास्क प्रॉपरली। Because after seeing the photo in the starting, you must have understood how important it is to wear a mask properly.